Assalamualaikum guys, question है, proof करना है, आपके पास यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो चीज़ है y into dy by dx plus x equals to 0. It means to say, इस proof के लिए, सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होगी, वो चाहिए dy by dx चाहिए, और आपके पास यहाँ पे जो data given है, वो दो equations given है, parametric equations की form में given है, it means to say, with the help of chain rule, पहले हम dy by dx find out कर लेंगे, and then फिर proof की तरफ आएंगे. So, इसे मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर टू. सो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो चेन रूल मैं यहां पे लिख देता हूं. बाय चेन रूल dy by dx, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए प्रूफ के लिए, तो ये आ जाएगा dy by dt. यहां पे जो थर्ड वेरिएबल यूज हुआ है वो t है, और dt by dx, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड. So dy by dx के लिए हमें results find out करने होंगे dy by dt and dt by dx, और with the help of इन दो equations, जो equation number 1 and equation number 2 है, so हम लोग find out कर लेंगे. तो सबसे पहले find out मैं कर रहा हूँ dy by dt. So differentiate equation 2 with respect to t both sides. So यहाँ से हमारे पास result आ जाएगा dy by dt is equals to d by dt, ब्रैकेट में आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का स्क्वायर. अब यहां पे 2 जो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से, तो ये आ जाएगा बाहर d बाय dt, ऊपर आ जाएगा t और नीचे आ जाएगा 1 प्लस t का स्क्वायर, तो इस पे लग जाएगा कोशेंट रूल. तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन और ये आ जाएगा नीचे वाला फंक्शन. सो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करो और कोशेंट रूल लगा देते हो, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का जो कि हमारे पास t है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का, वो हमारे पास 1 प्लस t स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में आपने कर देनी है क्लोज. सो नेक्स्ट आगे डेरिवेटिव्स ले लो और उसको आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो भी होगी वो कर देनी है, लेकिन उससे पहले जो भी डिनोमिनेटर में पड़ा है इसको ले आ जाएंगे बाहर, तो आ जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया बाहर. अंदर जो न्यूमरेटर में है, अब जो डेरिवेटिव्स यहां पे लेने हैं वो ले लेते हैं. 1 प्लस t स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, d बाय dt डेरिवेटिव ले रहे हैं t का विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी आ जाएगा 1 माइनस t, यहां पे डेरिवेटिव्स अंदर d बाय dt 1 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0, प्लस t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा यहां पे 2t स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. आगे जैसे आगे फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो अंदर सारे, और जो एड सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो आपने कर देना है. सो ये आ जाएगा हमारे पास dy by dt is equals to 2 divided by 1 plus t square whole square. स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वही चीज आ जाएगी, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 2t का स्क्वायर. सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास dy by dt is equals to जस्ट इनको ऐड, इनको सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए हम ब्रैकेट्स को फिर आगे ओपन कर देंगे, आ जाएगा 1 माइनस t का स्क्वायर. अब स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, बाय 2 है ऊपर, इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया dy by dt. ये रिजल्ट मैं यहां सेपरेट करके लिख देता हूं, अभी पुटिंग नहीं करने बिकॉज अभी हमें dt by dx भी फाइंड आउट करना है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर. एक रिजल्ट तो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया. सो नेक्स्ट आगे फाइंड आउट करना है dt by dx. सो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t both sides. So यहां से हमारे पास आ जाएगा dx by dt d by dt small bracket में आ जाएगा 1 minus t square
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके पास क्या लग जाएगा, कोई कॉन्स्टेंट वगैरह नहीं है, बाहर नहीं आएगा अभी, इससे डायरेक्टली आप इस पे क्या लगा देंगे क्वेश्चन रूल, तो याद रहेगा ऊपर वाला फंक्शन और इसे कह देंगे नीचे वाला फंक्शन। सो यहाँ पे आपके पास नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का। सो जस्ट डेरिवेटिव्स इनके ले लो एंड जो भी सिंप्लीफिकेशन बनती है वो सिंप्लीफिकेशन हम कर देंगे। तो जो भी डिनोमिनेटर में उसको मैं 1 बाय करके साइड पे कर रहा हूं तो यार आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर जो भी न्यूमरेटर है वो आपने करना है वो उसको लिख दो और जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो ले लो और जहां भी सिंप्लीफिकेशन बनती है आफ्टर डेरिवेशन वो आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। तो डी बाय डी एक्स 1 का डेरिवेटिव लोगे तो क्या जाएगा 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्लोज कर देना। और ये हमारे पास क्या चीज आएगी dx by dt, हमें क्या चीज चाहिए dt ऊपर चाहिए dt by dx चाहिए। तो पहले इसको फाइनलाइज कर लो सिंप्लीफाई करके, जो कंप्लीट सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा तब हम लोग क्या कर देंगे दोनों साइड्स को लेफ्ट और राइट को इन्वर्ट कर देंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे क्या माइनस टू डी है, मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट सारी ओपन कर दो, तो माइनस टू डी पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो याद रहेगा माइनस टू डी माइनस प्लस माइनस 2t का क्यूब, 2t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट आगे माइनस पहले साइंस मल्टीप्लाई होंगे देन आपके पास 2t भी साथ ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या देगा माइनस प्लस माइनस 2t 1 से मल्टीप्लाई होगा आ जाएगा 2t माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और यहाँ टी स्क्वायर है और यहाँ पे 2t है तो याद रहेगा 2t का क्यूब और आपके पास ये ब्रैकेट क्लोज। तो 2t का क्यूब तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम चीजें हैं ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो ये इनको कैंसिल आउट कर देना है। नेक्स्ट बाकी जो चीज बचेगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा माइनस 4t। सो इसको फाइनलाइज करके लिख देते हैं आ जाएगा माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया dx by dt, लेकिन हमें क्या चीज चाहिए dt ऊपर चाहिए dt by dx चाहिए, तो जस्ट मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी इन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t। तो ये रिजल्ट भी मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया dt by dx माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t। सो दो रिजल्ट्स जो हमें फाइंड आउट करने थे वो हम लोगों ने कर लिए, जस्ट अब हम लोगों ने क्वेश्चन थर्ड में इनको पुट करना है और फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद डी बाय डी एक्स निकालना है ताकि हम लोग अपने प्रूफ की तरफ जा सके। सो putting all values in equation third, पहले chain rule जो हमने बनाया था ठीक है उसको लिख लो और फिर इसमें results put कर लेंगे। तो d by dt हमने find out कर लिया था वो आ जाएगा हमारे पास 2 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square multiply by dt by dx, वो हमने फाइंड आउट किया था माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4t। तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बाकी आफ्टर कटिंग जो भी रिजल्ट्स बच जाएंगे वो आपने लिख देना है। तो माइनस प्लस माइनस ऊपर आपके पास जस्ट क्या बच गया है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास क्या बच गया जस्ट 2t। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया dy by dx।
लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको। डी वाई बाई डी एक्स जो हमने फाइंड आउट किया है वो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, माइनस वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। सो प्रूफ में तो ये होता है कि हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही होती है, हमें पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, और आप यहां पे देख सकते हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास यहां पे क्या है, y dy by dx plus x। तो प्रूफ करना है तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूं, यहां पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, y dy by dx plus x। तो ये इसका जो रिजल्ट है वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मींस जो कि राइट हैंड साइड है। सो यहां पे मैं रिजल्ट पुट करूंगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी। ये तो हमने डी वाई बाई डी एक्स जो फाइंड आउट किया था वो रिजल्ट मैंने पुट कर दिया इसकी जगह पे, प्लस एक्स। सो सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे आपके पास y की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, जो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में जो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था तो वो आपने पुट कर देना है। तो y इक्वल्स टू क्या है आपके पास, y की जगह पुट कर दो 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, माइनस। ब्रैकेट्स का यूज करना, अगर ब्रैकेट्स का आप यूज नहीं करोगे तो जस्ट ऐसे ही लगेगा कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज यहां पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो ब्रैकेट का यूज लाजमी करो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्लस एक्स, एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास, वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए जीरो। So, ये हमारे पास क्या चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड। सो पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, और अगर कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल आउट कर दो, ये 2t 2t से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्रैकेट्स का यूज कर लो, प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब आप देखो कि ये फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन दोनों ही सेम है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो ये इक्वल्स टू आ गया राइट हैंड साइड के, जो कि हमें लेके आना था। तो हम कहेंगे यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा, लिख दे रहा है इट्स प्रूव्ड। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, कहीं पे जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो भी प्रॉब्लम आएंगी साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहना। सो इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं साथ साथ रिजॉल्व करता जाऊंगा। सो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।